काले धन को लेकर जो शिकायत की थी किरोड़ीलाल मीणा ने, और आज यहाँ पर धरने पर बैठे थे। ये आप देख सकते हैं, ये है वो वॉल्ट, और इस वॉल्ट के अंदर जो तमाम जो लॉकर हैं, 100 से ज़्यादा लॉकरों पर जो है किरोड़ीलाल मीणा जी ने आरोप लगाए थे कि इन लॉकरों में काला धन है। और आप देख सकते हैं ईडी की टीम अभी जो है यहाँ पहुँची है। ईडी की टीम भी जो है पूरा केस को आप देख रही है, और तमाम जो लॉकर हैं उन लॉकर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लॉकर किन के हैं और किस तरीके से, ये कौन कौन से लॉकर हैं और कब कब खुले हैं, और कौन कौन से लॉकर में कब से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ये जो तमाम जानकारी है ईडी की टीम जुटा रही है। उससे पहले इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुँची थी। 100 से ज़्यादा लॉकरों की बात की जा रही है, ये 100 से ज़्यादा लॉकर हैं जिन चूँकि काला धन उनके अंदर बताया जा रहा है। और किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि इन 100 से ज़्यादा लॉकरों में जो कि ये 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो काला धन है, और उसके साथ साथ में 50 किलो से ज़्यादा सोने की बात की जा रही है कि इसके अंदर गोल्ड है। तो ये जो आप जानकारी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे जो है किरोड़ीलाल मीणा भी हैं, और यहाँ पर इनके द्वारा जो है मीडिया से बातचीत की जा रही है इनसे। किरोड़ीलाल मीणा जी आपने सुबह भी यहाँ पर धरना दिया है, उसके बाद इनकम टैक्स की टीम आ गई, अब ईडी की आ गई। मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि आपका और केंद्र सरकार की मिली भगत है। अरे तो आप छह, अरे आप ये बताओ, रीट का पेपर लीक हुए 1.5 साल हो गए, सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो गया, आरएस का पेपर लीक हो गया, और 4 महीने पहले मैंने डीओआईटी की पत्रकार वार्ता करके ये कहा था कि इसमें 3,500 करोड़ का परिवाद एसीबी ने मांगा, 17 में परमिशन मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी। फिर मैंने पत्रकार वार्ता की जिसमें कई आईटी के अधिकारियों पर आरोप लगाए, जिसमें प्रमुख रूप से सीपी सिंह का था, और सीपी सिंह के बारे में मैंने ये कहा था कि 4.5 करोड़ के 4 फ्लैट जयपुर में, 4 लग्जरी गाड़ी हैं, नोएडा में महत्वपूर्ण स्थान पर मकान है, बॉम्बे में है और गुड़गांव में है, उनकी जांच की जाए। गहलोत साहब ने जांच नहीं की, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि राजस्थान की जनता लुटे नहीं, वो लूट का पैसा यहाँ पर है। तो जब गहलोत साहब ने, हाँ एक बात और है, यहाँ पुलिस थी, उसने एसीबी को भी पत्र लिखा है, पुलिस कमिश्नर साहब बात कर लो, पुलिस कमिश्नर ने एसीबी को पत्र भेज दिया है, लेकिन एसीबी अब तक नहीं आई। पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र भेजा, ईडी आ गई, मैंने आईटी से बात किया, आईटी आ गई, तो गहलोत साहब की एसीबी कहाँ गायब है? गहलोत साहब जवाब तो दो, हम राजस्थान को लूटने नहीं देंगे, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान को गहलोत साहब ने पूरे 4 साल तक लूटा। एक आखिरी सवाल, आप ईडी में कोई लिखित में शिकायत देंगे? ईडी ने आपसे लिखित में, मैंने लिखित में शिकायत दे दी थी, दिनेश खोडिया की दे दी, बाबूलाल कटारा की दे दी, चेयरमैन की दे दी, इस संबंध में दे दी। किरोड़ीलाल मीणा जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईडी को शिकायत उन्होंने लिखित में दर्ज कराई है, और इनका यह भी कहना है कि जो ये 100 लॉकर हैं इनमें छत्रपाल सिंह यानी कि जो कि मुख्यमंत्री के खास बताए जा रहे हैं, उनके भी लॉकर इसके अंदर हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि छत्रपाल सिंह के जो लॉकर हैं, छत्रपाल सिंह ने जो भी यहाँ पर संपत्ति बनाई है, काला धन जो इकट्ठा किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। अब ये लॉकर हैं ईडी की राडार पर आ चुके हैं, और ईडी की टीम अभी ने खुलवाएगी, और खुलवाने के साथ में काला धन जो कि यहाँ पर जमा किया हो गया है तो उसको उजागर करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब इन लॉकरों से क्या निकलता है। मेरे से होगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या।